हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी एंड इजी रेसिपी, वो है एग करी, एकदम ढाबा स्टाइल। मैं बताऊंगी कैसे बनती है एग करी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो इससे पहले, सबसे पहले मैंने ये 4 से 5 अंडे बॉईल कर लिए थे पहले से ही। मैं ये फोक की हेल्प से ही इसमें छेद कर रही हूँ सारे अंडों में, ताकि मसाला अंदर तक अच्छे से पहुँचे। सारे एग में कर लेना है ऐसे ही छेद फोक की हेल्प से। ये सब में मैंने कर लिया है। अब एग को फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए सबसे पहले मैंने गैस पे पैन रखा है, उसमें ये 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल डाला है। उसमें ऑयल में मैंने टर्मरिक पाउडर 1 टेबलस्पून डाला है और रेड चिली पाउडर डाला है 1 टेबलस्पून। अच्छे से चला लिया है। अब इसमें एग को फ्राई कर लेते हैं। अच्छे से फ्राई करना है। चलाते रहना है, वरना तो एग जो है पैन में चिपकने लगता है नीचे से, तो इसलिए चलाते रहना है और अच्छे से फ्राई करना है। गोल्डन होने तक पकाना है। ये देखिए चिपक रहा है ना, इसलिए इसको चलाते रहना है और लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है। ये अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं। इसको निकाल लेते हैं सारे एग को एक बोल में। अब इसी ऑयल में मैं ग्रेवी प्रिपेयर करूंगी। आप चाहें तो और थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं ऑयल, मगर मेरे लिए इनफ है इतना ऑयल। ये मैंने 1 टेबल स्पून जीरा डाला है। जीरा हो जाएगा तो मैं जिंजर गार्लिक अनियन पेस्ट ऐड करूंगी। अच्छे से जीरे को चला लेना है। जीरा हो गया है। अब ये जिंजर गार्लिक अनियन पेस्ट मैं ऐड कर रही हूँ। ये पेस्ट मैंने पहले प्रिपेयर करा था। ये 1 लार्ज अनियन है, 6 से 7 क्लोव गार्लिक की है और एक छोटा टुकड़ा अदरक का था। ये इसका मैंने एक पेस्ट तैयार किया था, तो ये मैंने पेस्ट ऐड कर दिया है ऑयल में। अच्छे से मिक्स कर लेना है पेस्ट को, को भूनना है, चलाते रहना है और अच्छे से भूनना है इसको। ये अच्छे से भून रहा है। अब मैं इसमें कोरिएंडर पाउडर 1 टेबल स्पून ऐड करूंगी। कोरिएंडर पाउडर को भी अच्छे से मिक्स कर लेना है मसालों में। अब 1 टेबल स्पून सॉल्ट में डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा नमक को कर सकते हैं। अच्छे से चलाना है। ये अच्छे से भून चुका है। अब इसमें रेड चिली पाउडर थोड़ी सी ऐड करूंगी। 1/2 टेबल स्पून है रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर ऐड करूंगी, क्योंकि मैंने जब अंडे फ्राई कर रही थी एग को, तब मैं यूज कर चुकी हूँ रेड चिली पाउडर और टर्मरिक पाउडर, तो इसलिए इस स्टेज पे थोड़ा कम डाला है मैंने। अच्छे से मिक्स कर लेना है रेड चिली पाउडर टर्मरिक पाउडर को। मिक्स कर लिया है। अब इसमें ये 3 टोमेटो की प्योरी है, ये मैंने प्यूरी तैयार करी थी, उसको ऐड कर देना है मसालों में और टोमेटो प्यूरी को अच्छे से मिक्स कर लेना है मसालों में और इसको पकने देना है जब तक ऑयल ना रिलीज हो जाए। लो फ्लेम पे ही पकाएंगे। ये अच्छे से ऑयल रिलीज हो गया। अब इसमें 2 टेबल स्पून ये मैं दही ऐड कर रही हूँ। बहुत अच्छा टेस्ट आता है दही ऐड करने से। आप ड्राई मैंगो पाउडर भी दही की जगह यूज कर सकते हैं, लेमन जूस भी 1/2 टेबल स्पून तक यूज कर सकते हैं अगर दही नहीं है। मैं दही ऐड कर रही हूँ, 2 टेबल स्पून मैंने ऐड किया है दही। अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैंने जो जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं वहां से।
अब थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। अभी थोड़ा डाला है, अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर ग्रेवी के लिए पानी और ऐड करेंगे। लो फ्लेम कर देंगे एकदम। अब हाफ कप तक मैं पानी डाल रही हूँ। आप पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप पानी डाल सकते हैं। मुझे हाफ कप चाहिए पानी, तो इसमें मैंने हाफ कप ऐड किया है पानी। इसको अच्छे से चलाना है। अब एग को मैं ऐड कर रही हूँ। सारे एग ऐड कर देंगे ग्रेवी में और अच्छे से चलाएंगे। ये मैंने 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर डाला है। गरम मसाला पाउडर को भी अच्छे से मिक्स करेंगे ग्रेवी में। सिंपल एंड इजी रेसिपी है ये एकदम। अब मैं 1 टेबल स्पून ये कसूरी मेथी ऐड करी है, इसको भी अच्छे से चला लेना है। मिक्स कर देना है मसालों में कसूरी मेथी को और इसको अब मिक्स कर लिया है। अब इसको ढक देते हैं और 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पर बंद करके पकाते हैं। फिर चेक करते हैं, चेक कर लेते हैं। ये देखिए ऑयल एकदम रिलीज हो गया है, या एग करी एकदम बन के रेडी है। बहुत ही टेस्टी दिख रही है, आप सब लोग देख सकते हैं कितना अच्छा कलर लग रहा है। तो अब इसको सर्विंग बोल में निकाल लेते हैं, गैस की फ्लेम ऑफ कर देते हैं, सर्विंग बोल में निकाल लेते हैं। ये एग करी बन के एकदम रेडी है, आप सब लोग देख सकते हैं। मैंने इसे धनिया पत्ती से गार्निश किया हुआ है, बहुत ही टेस्टी लग रही है। तो आप सब लोग को पसंद आए तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।